अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन नंबर 6, जो कि एक पोइम है और उस पोइम का नेम है टीयर्स ऑफ नेचर, फितरत के आंसू। और ये पोइम लिखी है ग्रेम किंग ने, इसके राइटर हैं ग्रेम किंग। चलिए अब हम अपनी पोइम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आई जस्ट हियर्ड मदर नेचर क्राई, Or was it one more broken falling tree? You would think we would learn as time goes speeding by. I think मेरा ख्याल है, I just heard मैंने सुना है, Mother Nature cry फितरत माँ को अभी रोते हुए सुना है। Or was it one more broken falling tree? या फिर क्या ये एक टूटा हुआ दरख्त है जो गिर रहा था? यू वुड थिंक तुम सोचोगे, वी वुड लर्न कि हम सीखते हैं, एज टाइम गोज स्पीडिंग बाय जब वक्त तेज़ी से गुजरता है तो ही। They tell us there's a big hole in the sky. We won't believe in something we can't see. I think I just heard Mother Nature cry. They tell us, वो हमें बताते हैं, there is a big hole in the sky, कि आसमान में एक बड़ा सुराख है। We won't believe, हम यकीन नहीं रखेंगे, इन समथिंग वी कांट सी, कुछ ऐसी चीज़ पर जो हम देख नहीं सकते। आई थिंक मेरा ख्याल है, आई जस्ट हियर्ड मदर नेचर क्राई, कि मैंने फितरत माँ को अभी रोते हुए सुना। कोल फायर्ड चिमनीज रेडिंग अप सो हाई, Even though the solar power's free, you would think we would learn as time goes speeding by. अब ऑथर क्या कह रहे हैं इस स्टेंजा में हमसे? कोल फायर्ड के कोयला जलने वाली चिमनीज, जो चिमनियाँ हैं, रीडिंग अप सो हाई, वो इतनी बुलंदी तक पहुँची हुई हैं। इवन दो, अगरचा, द सोलर पावर्स फ्री, कि जो सूरज की रोशनी है या शमसी तवानाई है वो भी मुफ्त है। यू वुड थिंक, तुम सोचोगे, वी वुड लर्न एज टाइम गो स्पीडिंग बाय, कि जब वक्त तेज़ी से गुजरता है तो हम सीखते हैं। वी डेवलप रॉकेट स्ट्रिप्स दैट फ्लाई But still can't stop pollution of the sea. I think I just heard Mother Nature cry. We develop rocket. हमने क्या किया है? Develop बना लिए हैं rocket, यानी कि rocket से चलने वाले जो जहाज़ हैं, strips that fly, जो कि उड़ते हैं। But still can't stop pollution of the sea. मगर फिर भी समंदर की गंदगी को, आलूदगी को नहीं रोक सकते। आई थिंक मेरा ख्याल है, मैंने आई जस्ट हियर्ड सुना है, मदर नेचर क्राई फितरत माँ को रोते हुए सुना। हेडलाइंस वन मोर स्पीशीज सेट टू डाई, कीप इट क्वाइट यूज डिप्लोमेसी। You would think we would learn as time goes speeding by. Headlines यानी कि सुर्खियाँ। One more species set to die, एक और जो नस्ल है वो मरना शुरू हो गई है। Keep it quiet, इसे खामोश रखो। Use diplomacy के मौका शनासी से काम लो। You would think तुम सोचोगे, We would learn हम सीखते हैं, As time goes speeding by, जब वक्त
तेजी से गुजरता है। Worry on the future, pass it by. How can preservation start with me? I think I just heard Mother Nature cry. You would think we would learn as time goes speeding by. Worry on the future, क्या मुस्तकबिल के लिए परेशान हो गए हो? Pass it by, इसे गुजर जाने दो। How can preservation start with me? कि मैं किस तरह से जो प्रिजर्वेशन है, हिफाजत है, मेरे साथ कैसे शुरू हो सकती है? I think, मेरा ख्याल है, I just heard, मैंने सुना है, मदर नेचर cry, फितरत माँ को रोते हुए। You would think, तुम सोचोगे, we would learn, हम सीखते हैं, as time goes speeding by, के जब वक्त तेजी से गुजरता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पोइम टीयर्स ऑफ नेचर, और इस पोइम की जो डिटेल है या एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो यानी के समरी, टीयर्स ऑफ नेचर की समरी में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो अब हमने ये जो पोइम आपकी बुक में लिखी है वो रीड आउट की है।